सब्सक्राइब कीजिए टेक विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वेलकम बैक गाइस, मैं विवेक, आपका स्वागत है हमारे टेक विंडो पे। सो गाइस, आज बात करने वाला हूँ एबीएस सिस्टम के बारे में। मतलब आप कभी भी एक न्यू बाइक या फिर एक कार परचेस करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकेशन में एक फंक्शन देखने को मिलता है ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेक्स आती तीन टाइप की, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक एंड एबीएस वाली ब्रेक्स। सो गाइस, आज बात करने का एबीएस क्या होता है और काम कैसे करता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, अगर आपको कोई पूछता है एबीएस के बारे में तो गाइस आपका ये सीन तो ना ही हो। एबीएस सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ। तुम बार बार हमको क्या देख रहे हो बे, कैंडिडेट तुम हो। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। So guys, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कितना फनी सीन था। सो गाइस, इसको अभी हम करते हैं साइड में और बात करते हैं काम की। सो गाइस, एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। सो गाइस, जो नॉर्मल गाड़ियां होती है, बाइक होती है और कार्स होती है, उनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का हमको फंक्शन मिलता है, पर वो बहुत महंगी कार में, मतलब महंगे मॉडल्स में आता है। सो गाइस, इसका काम क्या है। सो गाइस, आप ड्राइव कर रहे हैं अपने नॉर्मल व्हीकल, मतलब आपकी नॉर्मल बाइक या फिर आपका नॉर्मल कार आप ड्राइव कर रहे 60 किलोमीटर पर आवर पे, ओके, और सडनली अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है बीच में, सो इस आप तो सडनली ब्रेक मार देंगे, और ब्रेक मारने क्या होगा कि आपके जो टायर्स, जो व्हील है वो ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब जैम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी वो आगे निकल जाएगी, जो ब्रेक मारी तो आपका जो व्हील जो है वो तो लॉक हो ही गया, उसके बाद आपकी जो गाड़ी वो स्कीड खाती हुई आगे चली जाएगी। सो इस स्कीड खाती हुई आगे चली जाएगी, मतलब आगे कोई पेड़ या फिर दीवार होगी, आप उधर टकरा ही जाओगे। सो गाइस, इन केस आपके पास एबीएस सिस्टम वाला मॉडल होगा तो गाइस, ये जो मैं आप ये इंसिडेंट बताया वो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एबीएस सिस्टम का काम ही है कि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेंसर लगे हुए होते हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन, और वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो भेजता है कंट्रोल यूनिट पे, ओके, कंट्रोल यूनिट पे भेजता है। आप जो व्हील्स में सेंसर लगे हुए होते हैं वो काम करते हैं कि जो स्पीड है गाड़ी की 60 है, 70, 80 वगैरह वगैरह, उसको डिटरमाइन करते हैं, और उसकी मदद से बाद में जब आप सडनली ब्रेक मार रहे गाड़ी में, तब क्या हो रहा है कि जो आपने ब्रेक तो लगा लियो, ओके, वो सडनली आपका जो व्हील है वो जैम नहीं होगा। जैम कैसे होगा कि कुछ पंचेस में जो ब्रेक मारेगी, मतलब गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, ब्रेक मारेगी, थोड़ा आगे जाएगी, ब्रेक मारेगी, मतलब जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो टकराएगी नहीं, और आपकी जो गाड़ी है स्किड खाने से भी बच जाएगी। और इन केस अगर आपकी जो ब्रेक्स नॉर्मल वाली, तो उसमें तो आप छोड़ ही दीजिए उम्मीद, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं टू व्हीलर पर और आपने सडनली ब्रेक मार दी तो आप बैलेंस भी खो सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत सारी बार होता है, एक ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी में और एक डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी में भी बहुत सारे देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर आपको बजट हो या फिर आपका जो बजट है वो इंक्रीज करके और कुछ अच्छी फंक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो गाइस एबीएस वाले मॉडल ले लीजिए आप बंद करके, क्योंकि ये जो फंक्शन है बहुत आपको बेनिफिट देने वाला है। सो गाइस, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। सो गाइस, पता है ये जो वीडियो बहुत छोटी सी, क्योंकि मैं अब चाहूंगा कि छोटी छोटी एक वीडियो बनाऊँ और जो डेली लाइफ में काम है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और सो गाइस अब मैं नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ कि मैं हर हफ्ते एक गेम की वीडियो भी डालूंगा। सो गाइस, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कमेंट कर दूंगा। सो गाइस, टेक विंडो ओवर एंड आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।